गुड मॉर्निंग। क्लास होगी कि नहीं? आज नहीं होगी भाई। कल ब्रांचेस पर कुछ कुछ दिक्कत थी और ये सवाल वैसे भी दो बार करने के होते हैं। एवरेज स्पीड का चैप्टर है ये। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन, सबको आता है? वेरी गुड। आज भी चार बंद है या चार ओपन है? आज बंद है, कुछ लोग चार में हैं। वेरी गुड। ये जो गैप वाले लोग हैं ये तैयार है ना इस काम के लिए कि वे फेल हो जाएंगे? ये हंसने की बात नहीं है। आगे बढ़ते। वेरी गुड। 190 किलोमीटर गया और 210 किलोमीटर गया, कुल मिला के कितना गया? 3 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए, टोटल 8 घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आया। हर सवाल में जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो टोटल डिस्टेंस अपॉन ये काम करना पड़ेगा। आ गया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। पहले कितनी दूरी और फिर टोटल घंटे स्पीड, सी ऑप्शन आया। कोई डाउट? यहां पर डिस्टेंस भी दिया और टाइम भी दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमने कर लिया। आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। यहां पढ़ो जल्दी पूरा। इसने यहां दो चाल दी और एवरेज स्पीड पूछी। दो चाल दे रखी ना, और आ रहा है समझ में? इसमें तीन या चार चाल देकर के भी एवरेज स्पीड पूछ सकता है। तो दो में अलग फार्मूला हो जाएगा, तीन में अलग हो जाएगा, चार में अलग हो जाएगा, और चार का तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोग जिंदा ही मर जाओगे। तो जब कभी भी किसी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करें, एवरेज स्पीड वाला सवाल है ही, हम लोग सड़क बनाएंगे 24 और किसको नहीं आया? हमने स्पीड 24, 36, एक तरफ गया 24 की स्पीड से, दूसरी तरफ गया 36 की स्पीड से, इन दोनों का एलसीएम 72। आ रहा है समझ में? तीन और टोटल मिला के 5 घंटे, टोटल मिला के ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 288 बटे 10 हो जाएगा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? अब यहां पर इस प्रकार से तीन आ जाए, तीन इक्वल डिस्टेंसेज को, अब एक पार्ट को करता 24, एक पार्ट को 36, तीसरे को 48, तो हम उस हिसाब से एलसीएम लेकर के तीनों हिस्सों को मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस में उसको तीन से गुणा करेंगे और फिर उसमें टाइम आएगा, उस टाइम से डिवाइड करेंगे तब एवरेज स्पीड आएगी। ऐसा कौन है जिनको अभी नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। कई जने तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, मेरे ख्याल से 4 से 3 में ट्रांसफर हो गए, है ना? वेरी गुड। आगे बढ़े, पढ़ो। सड़क बना दूं? यहां 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 आया। देखो यार, तुम लोगों को एलसीएम सीधा निकालना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है। तुम लोग 5-4 सेकंड में सवाल सोचो आ जाएगा तो गलत सोच है तुम्हारी। हाँ या ना? अब सवालों की प्रैक्टिस रहनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। हाँ या ना? वेरी गुड। हर का परिमेयकरण और एलजेब्रे के दो सवाल, ये कैसे कंबिनेशन में पेपर में आते हैं? YouTube पर मैंने 3 क्लास ली है। कितने लोगों ने करके देखा वो YouTube पर वो क्लास? बाकी लोगों को क्या जरूरत है? बाकी लोगों को क्या जरूरत है बताओ? जो बात तुम्हें कहते हैं वो बात मानने में जहां दिक्कत है वो फेल हो जाएंगे। ये हर बार जब पेपर होता है ना, रिजल्ट आता है, दोनों सीन होते हैं, पास और फेल दोनों बातें। हाँ या ना? मामला गड़बड़। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो जल्दी से। आगे
सड़क 40, 10, 40, 40, 1, 4, 5, 80, 80 बटे 5, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना बोलते जाएं उतना लिखते जाएं, सवाल हमेशा सही होगा। कोई ऐसा है जिसको अब भी नहीं आया तो मुझे बताएं। आगे बढ़ें, वेरी गुड। एक स्पीड कितनी और दूसरी करें क्या? यहाँ 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 यहाँ, वेरी गुड। ये तुम्हें पता नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और ये 3 घंटे, ये 2 घंटे ये टाइम है। कुल कितने घंटे लगे? तो कुल कितनी दूर गया? लेकिन कितने घंटे लगे? आया, दोनों टाइमों का जोड़ है आने जाने में, उसको 8 घंटे लगे। हम कह रहे हैं 5 लगे, अगर 5 लगे तो इतना, 8 लगे तो ज्यादा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, 5 से कटेगा तो 48, 8 से गुणा करेंगे 384 किलोमीटर। बोलो अब भी नहीं आया? पक्का आ गया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो। अगर इतना समझ में, सड़क बना दूं, 8 और 6 लिख दूं, 24, 24, 3, 4, 7, कुल दूरी तय की गई 48, 7 घंटे हैं तो, और कल ये कहा था इसको ठीक करना, दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछना, 12 उत्तर आता उसमें, इसमें भी कर देता, पढ़ दो जल्दी। आने जाने में कितना? 5, तो दूरी कितनी? उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। 6, आया? बोलो नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। इतना तो महसूस करते हो ना, जाते टाइम टाइम कम लगता है, जाते टाइम आप ज्यादा, या नहीं? ऐसा जहां पर हर रोज जाते हैं ऐसा वहां होता है, कहीं पर घूमने वूमने जाते हैं ना तो वहां जाने में टाइम ज्यादा लगता है, वापस आने में कम, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है, पढ़ दो। तीन की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट, 4 की स्पीड से गया तो 15 मिनट अर्ली, अर्ली में यहाँ प्लस लिखते हैं, इसमें लेट करते हैं, अंतर, यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर लेंगे, एक घंटा, एक घंटे का मतलब अगर 60 मिनट अंतर है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, कुल तय की गई दूरी है 24, अगर 30 है तो इसमें भी ठीक करना भाई साहब है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछना इसमें, इसमें तय की गई दूरी एक दिन है 3 की स्पीड से, अगले दिन है 4 की स्पीड से, तो तय की गई दूरी इस प्रकार से नहीं पूछी जाती, पूछी भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है? तो समझ गया, ये आज कर देता तो रिवाइज होता था, कल कहा था इसको कर लेना है? अब पता नहीं 6 महीने बाद नंबर आएगा। क्या करें फिर, क्या करें? यहाँ 10, यहाँ 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 15 मिनट लेट, माइनस लिखता हूँ, 5 मिनट लेट, कम रहेगा टाइम, अंतर 10 मिनट, अंतर एक घंटा, एक घंटे का मतलब 60 मिनट तो 60 किलोमीटर, और 10 मिनट तो आया नहीं आया? वेरी गुड। एक तरफ कितनी स्पीड से गया और एक तरफ, और फर्क कितना पड़ा? 30 मिनट का, 15 मिनट जल्दी 15 मिनट लेट, अंतर कितना पड़ा? 30 मिनट का, कितना? सब समझ गए? कोई डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर 3 की स्पीड से गया तो 2 घंटे लगे, और 6 किलोमीटर 4 की स्पीड से गया तो 1.5 घंटा लगा, इसका मतलब 120 मिनट, इसका मतलब 90 मिनट, अंतर 30 मिनट,
30 मिनट यहीं पर आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना था? 6. कितना था? 6. ट्राई ऑप्शन से दिखाया मैंने तुम्हें ये, कैसे दिखाया मैंने? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं 12 मान लेता हूँ. 12 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 की स्पीड से 4 घंटे, 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से 3 घंटे, अंतर 1 घंटा, मतलब 60 मिनट का. 60 मिनट का नहीं चाहिए, अंतर कितने का चाहिए? 30 मिनट का. किसको नहीं आ रहा? बात पक्की? मैं जो बोलता हूँ समझ में भी आता है? वेरी गुड. कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. इसके अंदर मैं ट्राई ऑप्शन मार के दिखाता हूँ तुम्हें. सबसे अच्छी शक्ल 10 की है. 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट. 10 किलोमीटर 12 की स्पीड से गुणा 60 करना पड़ेगा. 1 ये 5, ये 50 मिनट, अंतर 10 मिनट का, 10 मिनट का अंतर आया था वहाँ पर, तो 10 की स्पीड में आ रहा, 10 किलोमीटर में आ रहा. आया क्या? क्या नहीं आया? अब सवालों को विजुलाइज जो करेगा ना, विजुलाइज जो करेगा, जो इसकी पिक्चर बना के देखेगा, फिर उन्हें तो सवाल आएंगे. बाकी लोगों को सवाल आएंगे नहीं? हाँ या ना? बाकी लोग तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे. आगे बढ़ें. बहुत अच्छी बात है. दो स्थानों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है. ये ए और बी, ये दो बातें लिख दी. इनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर. आ रहा समझ में? वेरी गुड. ए से गाड़ी चलती है 60 की स्पीड में और दूसरी गाड़ी बी से चलती है 40 की स्पीड में. स्पीड कितनी हो गई? 800 किलोमीटर 100 की स्पीड से 8 घंटे में निपट जाएगा. बी ऑप्शन. अब ए से कितनी दूर? तो 60 गुना 8 480 और बी से कितनी दूर? 40 गुना 8 320. अब किसको नहीं आया? यहां तक क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? आगे ना सबको? बहुत अच्छी बात. पढ़ो. कितनी दूर? ये दिल्ली, ये दिल्ली से कलकत्ता की तरफ 80 की स्पीड में और 10 बजे चली. अब कलकत्ता से दिल्ली 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कितने बजे? चलने का टाइम बराबर अलग अलग है? चलने का टाइम अलग अलग है. अभी इसको 10 बजे तक चला लो, अब टाइम बराबर आ जाएगा. तो ये कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटा चला. अगर 2 घंटे होता तो 180 चलता. 1 घंटा चला, 1 घंटा चल गया 1700 रह गया. अब ये 80 और ये 90, 170 कितने घंटे हो गए? आया? जब दो चाल एक दूसरे के विपरीत हो रही, इधर हो रही हो या इधर हो रही हो, ऐसे जा रही हो तब भी डायरेक्शन अलग है और ऐसे जा रही हो तब भी डायरेक्शन अलग है. नहीं आ रहा समझ में? पक्का? कोई डाउट है? वेरी गुड. हम जब छोटे छोटे थे ना, तो बोला एक आदमी के पास दो ऊँट है, एक का मुँह है उत्तर की तरफ और दूसरे का दक्षिण की तरफ, एक टोकरी में बड़ी आसानी से खाना खाते हैं. तो अब ये एक का मुँह उत्तर की तरफ और दूसरे का दक्षिण की तरफ, बड़ी आसानी से खाते हैं. हम लोग क्या सोचते थे कि एक का मुँह उत्तर की तरफ एक का दक्षिण की तरफ, बोले बीच में टोकरी कैसे खाएंगे? नाड़ मोड़ के लाएंगे, टांगा के बिछाड़े के खाएंगे, मुड़ जाएंगे और कुछ करेंगे. हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग ऐसे सोचते थे, एक का मुँह दक्षिण में एक का उत्तर में, तो एक टोकरी में खा ही नहीं सकते. देखो कितना आसान काम था. एक का मुँह देखो किस तरफ है और दूसरे का, मतलब क्या दिक्कत है इनको खाने में? हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो वैसा ही सोचना है तुम्हें भी. 90 की स्पीड से इधर जा रही है, 80 की स्पीड से इधर जा रही है, एक घंटे में 90 इसने और 80 इसने, 170 किलोमीटर कम कर दिए एक दूसरे के, एक दूसरे से कम मिली, सवाल ये है. तो दोनों को मिलकर के 1700 किलोमीटर तय करना है. मतलब शुरुआत में 1790, एक किलोमीटर तक अकेली चली है, तब तक वो आराम कर रही थी. फिर ये 10 बजे, वो 10 बजे, फिर एक घंटे में 170 170 170, 10 घंटे में निपट गया काम. 10 बजे चालू हुई और 10 घंटे लगे तो 20 बजने चाहिए. 12 से ज्यादा जब बजे तो 12 घटा देना. ये 10 AM था, 8 PM पर एक दूसरे से मिलेंगे. अब यहां 80 गुणा 10 800 किलोमीटर दिल्ली से, या 90 गुणा 11 990, वो 800 या 990, इतनी दूरी पर मिलेंगी. आया क्या? वेरी गुड. सबको आया? बहुत ही अच्छी बात है. पढ़ दो जल्दी. अब ये है ना सवाल, यहां चोरी हुई. अब कह रहा 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला, मतलब पहले तो 30 मिनट गया, कितनी देर गया? 30 मिनट में कितनी दूर? 30 किलोमीटर. फिर एक घंटा चलेगा तो 60, फिर एक घंटा चलेगा फिर 60, फिर एक घंटा चलेगा तो फिर 60, ऐसे भागा जा रहा है. 60 की स्पीड में जा रहा है, तो पहले घंटे आधा घंटा चला, फिर 30 30 फिर 60 60 60 60 हर घंटे में ऐसे जाएगा. अब पुलिस को पता चला आधे घंटे बाद कि पहले घंटे में कितनी दूर गया, 30 और 40 कुल मिला के 70, कितना? अगले घंटे में फिर 70, अगले में फिर. आया क्या? बोलो ना. ये तो 3 घंटे में 70 70 70 टोटल कितना हो गया? ये 60 60 60 180 और 30 आया. वहां जाके पकड़ने के बाद उसको छोटे मारे
ना पकड़ के लाए कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहां तक का मतलब है बस, हाँ या ना। पुलिस चोर को कितनी दूरी जाने पर पकड़ लेगी? 210। कितने घंटे में? 3 घंटे में। सवाल आ रहा है, इसको ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने तुम्हें समझाया। सवाल ये है, 30 मिनट तक पुलिस नहीं भागेगी, सिर्फ चोर भागेगा 60 की स्पीड से। 1 घंटा चलता तो 60 जाता, 30 मिनट चला तो 30 किलोमीटर जाएगा। कितनी दूर जाएगा? अब चोर की स्पीड है 60, पुलिस की है 70, 1 घंटे में कितना कवर करेगी? कवर कितना करना है? कितने घंटे लगे? 3 घंटे लगेंगे। अब पुलिस को 70 × 3 = 210, या पुलिस 60 × 3 = 180, और 30 × 210 जहां मैच कर गया। तो चोर भागेगा 3.5 घंटे, पुलिस भागेगी 3 घंटे, चोर भागेगा 60 की स्पीड से, पुलिस भागेगी 70 की स्पीड से। किसको नहीं आया? पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ लेगी? अगर यहीं पर लिखा होता चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, 3.5 घंटे। कितनी दूरी पर जाके? अब उसमें पूछ क्या रहा है? सवाल की स्टेटमेंट यही रहेगी, पूछ क्या रहा है? इसके ऊपर आंसर चेंज होगा, इसके ऊपर ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सवाल सीखना आया नहीं है? बात पक्की है? आगे बढ़े? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, पढ़ो जल्दी से। पहला काम क्या करूं? दिल्ली से गुजरात सड़क कितने किलोमीटर? ये दिल्ली, ये गुजरात। एक रेलगाड़ी दिल्ली से गुजरात की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने बजे? 8:20 पर चली। और दूसरी गाड़ी गुजरात से दिल्ली की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने बजे? 8 बजे। पहले कौन सी चली? गुजरात वाली, दिल्ली वाली? आया सबको? कितने बजे दोनों चली? जो लेट चली है कितने बजे चली? तो इसको भी 8:20 करवाओ। 20 मिनट तक चलेगी, रुकेगी नहीं, 20 मिनट। जब टाइम मिनट में हो सिमेट्री लगाएंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट में गया 90 किलोमीटर और 20 मिनट में गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गया, कितना गया? टोटल कितना था? अब कितना? सबको आया? अब 90 और 60 150 की स्पीड, 10 से 105 से भाग करेंगे 17/3, 17/3 का मतलब 5 सही, 2/3 घंटे, 2/3 × 60 करेंगे तो 40 मिनट, तो 5 घंटे 40 मिनट, 8:20 के बाद। कब के बाद? 8:20 के बाद, 20 40 60, 1 घंटा हो गया, 0 0। ये 13 और 1 14, 12 से ज्यादा होते ही 12 घटा देंगे AM से PM, कितने बजे मिलेंगी? आया इसमें पूछते यहां से कितनी दूर, तो 20 मिनट तो ये चली और 5 घंटे 40 मिनट, ये टोटल 6 घंटे चली, 6 × 90 540 किलोमीटर, कितनी दूर? इसमें से 500 घटाएंगे तो 380 बच गया, 40 और घटाएंगे तो 340, दिल्ली से 340 और यहां से 540। अब किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? बहुत अच्छी बात है। एक राजमार्ग है, इस पर दो स्थान हैं, ए और बी, इनके बीच में 70 किलोमीटर की दूरी है। एक गाड़ी ए से चलती है, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर चलती है। पढ़ो शुरुआत से सवाल। ये जब पिछली बार करवाए थे ना, तब भी ये कहा था कि ये ऐसे सवाल लास्ट में रखे, उनको इनके साथ ही रख दे। पिछली बार भी तूने नहीं किया, अभी बार नहीं किया, पिछली बार कहा था, याद है क्या? याद नहीं। ऐसे जो काम कहीं उसी दिन क्यों नहीं निपटा दिया करता, बाद में फिर झंझट ही खत्म। ये लिख लिया कर, कोई डायरी रखा कर, है ऐसे धीरे धीरे कब काम चोर हो जाते पता नहीं चलता। कल जब मैंने कहा तो कल मुझे पता था कि मुझे रिवाइज करने हैं, तब मैंने कहा था आज उस हिसाब से हो जाते सवाल, कल वाली क्लास को हटा देते, आज वाली क्लास रही रहती, सही काम हो जाता। पिछली बार कहा था, पिछली बार भी नहीं किया। अब कई कमेंट आ रहे हैं, ये नहीं आया, वो रिपीट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अब ये चोर वाले सवाल 5 होते तो अपने आप मामला निपट गया था, एक सवाल इसलिए नहीं आया। डिस्टेंस वाले सवाल कल क्यों नहीं आया? क्योंकि दिल्ली से वहां के बीच में एक ही सवाल था जो बराबर टाइम पर चले, अलग अलग टाइम पर चलने वाला फिर एक एक सवाल है। अगर ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 सवाल होते ना तो फिर मामला बन जाता, इसलिए सवाल दोबारा बनाए थे, फिर भी लास्ट में लगा दिए। कहा था इनको इनके साथ लगा था आएंगे, एक टाइप का एक सवाल होगा, कौन माई का लाल सीख लेगा? ये कहने कहने को आ रही भटके देश के हैं, एक भी गुण इनमें नहीं है। क्यों कहने को तो ये चंद्रशेखर आजाद के भी जो है देश के हैं, पर एक के भी मूछ ऐसे है ही नहीं। क्यों ये बेचारे शिवरात्रि की पूजा करके शिवजी से नौकरी मांगते हैं,
बिना क्या है, किसी ने मेरे पास 4-5 जो स्टेटस भेज रखे थे, बहुत ही बढ़िया स्टेटस थे। पहला स्टेटस बहुत अच्छा लगा, अगर स्कूल में बैग बढ़िया से उठाया होता तो आज कावड़ ना उठानी पड़ती। दूसरा स्टेटस, कावड़ लेने गए हो तो फूल मिल रहे हैं, रोजगार मांगोगे तो लट मिलेंगे। हाँ या ना? एक दो और था ऐसा ही, इसने क्या कम कर दिया काम, इन्होंने भी बहुत कर दिया। मैं तुम्हें सत्य घटनाओं पर आधारित कथा बता रहा हूँ। शिवजी नौकरी नहीं देते, और जो लोग शिवजी से नौकरी के चक्कर में हैं, वो नौकरी के चक्कर में ना रहे, वो कुछ और रास्ता ढूंढे। आज फिर गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, टेक्निकल टीम वाले वहां से आते, मेरे को तो डाटा चढ़ जाता कि काम मामला कुछ गड़बड़ है। राजीव कर दिया कुछ काम, यहां बात मत किया करो, जाओ यहां बात नहीं करनी, वैसे ही बात करने मत आया करो यहां। शहर में जैसे फायर ब्रिगेड भागी भागी फिरते हो तो अच्छा थोड़ी लगता, शहर में एम्बुलेंस भागी भागी फिरती हूँ अच्छा लगता, कोई पुलिस के वाहन भागे भागे फिरते हो क्यों? हम तो शांति के पुजारी हैं, नहीं? हाँ या ना? पढ़ाए इनको कर देगा एडजस्ट? हाँ जी, करके दिखाना है। हाँ कुछ सवाल और भी टाइप करवाए थे, टाइम डिस्टेंस के एंड टाइम वर्क के, जो कि हमने किताब छपवाने के टाइम पर की किताब जल्दी आ जाए छोड़ देते हैं, छोड़े थे टाइप रखे हुए हैं, है याद? मुझे तेरे से तो देख ज्यादा काम रहते हैं, फिर भी मुझे काम की बातें याद रहती है तो भूल जाता है, है ना? या नहीं रहती मुझे? हाँ कर लेगा तो बढ़िया रहेगा यार, है बहुत बढ़िया। इनमें 3-4 और टाइप है छोटी छोटी, जब ये सब करवा रहे ना तो इसी के साथ में निपटाए ना तो निपट जाता मामला, वैसे उन सवालों पर लोग दुखी रहते हैं। ऐसे टाइप करवाए थे हैं? ये फर्क आता है, ये एक फर्क होता है, फर्क पता क्या ये? जैसे कल क्लास पढ़ाई, मैंने कुछ सोचा कि क्या गड़बड़ रही क्या नहीं, परसों क्लास पढ़ाई तो कुछ सोचा कि कुछ गड़बड़ रही क्या रही क्या सही रहा, ऐसे एनालाइज करता हूं मैं क्लास को। ये लोग अपने काम को एनालाइज नहीं करते, इसलिए दिक्कत है। हाँ या ना? एक गड़बड़ हो जाती है, ये पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करे। जिस आदमी को जो काम करना हो तो काम करने के बाद उसके ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालनी चाहिए। कल जब मैं क्लास पढ़ा के गया ना तो वहां जाते ही मैसेजेस की बरसात थी कि क्लास अटक गई ये सवाल नहीं आए, क्लास अटक गई ये सवाल नहीं आए। मैंने देखे थे उनका, अब ऐसे मैसेज होते बोला जी हमारे मैसेज तो रिप्लाई नहीं करते, इसका क्या रिप्लाई करें भाई, क्लास अटक गई कल दोबारा से रिवाइज करवा देंगे और क्या। हाँ या ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से ए की ओर रवाना होती है। अब यहां कहता है यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये भीतर जा रही है और ये भीतर जा रही है, ये है एक दिशा में जाना, तो कहते हैं 7 घंटे में मिलती है। कितने घंटे में? 7 घंटे। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। इस बात को तुम ऐसे सोचो कि पंचकुला में पेपर है, एक कार गई पानीपत से और दूसरी कार गई सोनीपत से, ऐसे दो अलग अलग डिस्टेंसेस से। हाँ या ना? ऐसे तुम इसको पिक्चराइज कर लोगे तो तुम्हें अच्छा एहसास होगा, जितनी दूर ये वाली गाड़ी गई उतनी दूर ये भी गई दूसरी भी, ये डिस्टेंस तो बराबर है। 7 घंटे में इस गाड़ी ने 70 किलोमीटर ज्यादा तय किए, इसके कारण से इसकी स्पीड उस वाली गाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो गई। आया? यही काम तो पुलिस वाले सवाल में था, पुलिस वाले सवाल में वो 30 किलोमीटर आगे था, जिस टाइम पर पुलिस चली उस टाइम पर, अब वो 60 की स्पीड से, वो 70 की स्पीड से हर घंटे में 10 घंटे कवर कर रहा था, 3 घंटे में 30 किलोमीटर कवर, अब यहां 70 किलोमीटर कवर किया है 7 घंटे में, तो हर घंटे कितना ज्यादा चले। आया? ये 10 कहां से आया, क्लियर हुआ? जितनी दूरी ए वाली गाड़ी ने तय करी उतनी बी ने भी करी, बी वाली ने 7 घंटे में कितनी ज्यादा तय करी, तो 1 घंटे में कितनी ज्यादा। आया? किसको नहीं आया? अब कहता यदि एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के और ऐसे चले, सोनीपत और पानीपत, पानीपत से सोनीपत की तरफ, सोनीपत से पानीपत की तरफ, तो बीच में पट्टी कल्याण जाके मिलेंगे, ये 10 किलोमीटर ज्यादा चला तो ये 40 चला और ये 30 चला, जोड़ टोटल होना चाहिए 70, अंतर होना चाहिए 10, तो ये 10 ज्यादा 40, ये 30, अब बोलो नहीं आया, तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, 30 और 40। आ रहा समझ में? वेरी गुड। दीपक शुक्ला कह रहा राजीव को अगर सवाल याद आते तो राजीव नौकरी लग जाता, बात राजीव की नहीं हो रही भाई साहब, सवाल राजीव थोड़ा ही करेगा। दिल्ली वाला नहीं आया, पुलिस वाला भी नहीं आया, बहुत अच्छे लोग, कोशिश करो आ जाए, तो नहीं तो फिर मैं यही हूं तुम भी यही हो। पहली लाइन तेज आवाज में पढ़ दो एक बार, एक आसमान पर दो स्थानों पर ए और बी के बीच
भाई साहब दोनों फेल हो जाओगे कोने वालों। और जब फेल हो गए किसी ने मेरा बिना पटे, चुपचाप गुमनामी के अंधेरे। तुम पंचर साल बाद मुझे मिलोगे, नौकरी लगे हुए मिले तो अच्छा लगेगा, बिना नौकरी लगे हुए मिलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इतना सा मामला है। एक नंबर के आदमी घंटी बजाने वाले, एक राजमार्ग है, इस पर दो स्थान है, ए और बी। आया? वेरी गुड। एक गाड़ी ए से चलती है और एक गाड़ी बी से ए की ओर। अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो ये भीतर और ये भीतर, कितने घंटे मिलते हैं? 5 घंटे में। जितनी दूरी इस गाड़ी ने तय करी उतनी इसने भी करी ना? इसने कितनी एक्स्ट्रा तय करी? कितने घंटे में? 5 घंटे में 150 ज्यादा, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। अब एक यहां से इधर चलता है, एक यहां से इधर चलता, तो 1 घंटे में कुल कितने गए? 1 घंटे में एक दूसरे से मिल गए 150 पर, ये 30 ज्यादा चला। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 60 और यहां 90, इनका अंतर कितना? इनका जोड़ कितना? आया? 60 गुना 5 300, 90 गुना 5 450, 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो 60 और 90 डी ऑप्शन है, ऑप्शन से भी हो जाएगा। वेरी गुड। इसमें ऐसी बात पूछ ली जो ऑप्शन से ना हो कि कितनी दूरी पर जाएंगे। फिर कई सवाल बिना ऑप्शन के होते हैं। कल एक ने मेरे पास भेज रखा था कि एक तरफ 37.5 की स्पीड से गया, दूसरी तरफ 25 की स्पीड से गया, एवरेज स्पीड क्या थी? MTS में आया हुआ था ऐसे बताया था। अब वो सड़क बनाई, एक तरफ 37.5, यहाँ 25, इनका LCM मुझे 75 दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या दिखा, ये 2, ये 3, ये 150 गया 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल में बताओ अब मैं क्या कहूं पर किसी को? सबको आया क्या? पढ़ दो जल्दी है? क्लास खाली है, ये टाइम टेबल किने बदला था? मेरी पहले वहां होती थी ना, दूसरी है, आज बदला किने था? अच्छा, आधा घंटा क्लास मिली है ये बस? मैं लेट आया डेमो में से निकलते आया हूं मैं, तुम्हें कहां लेट आया? वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे किसने बदल दिया टाइम टेबल, इसलिए मैंने कहा। फिर ये कहेंगे गुस्सा करते हैं या पीटते हैं या परिमल सर कैमरे क्या क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऑफ कैमरा अच्छी अच्छी नहीं करते हैं, इनके लिए खेल है यहाँ, इतने लाखों की जिंदगी बिगड़ जाएगी। उनको किसने कहा था तुम क्लास चेंज कर दो? मैंने एक बात कही थी, एक सुबह की क्लास मत लगाना, एक शाम वाली मत लगाना, बाकी ऐसे कैसा? उनको किसने ऑथोराइज कर रखा कि तुम ऐसे क्लास लगाओ और ऐसे बदल दो? कहानी इतनी सी है, मैंने अपनी लास्ट क्लास सोच करके सभी टीचर्स को बोला था कि यहाँ पर आकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, अब मैं तो क्लास से निकला, निकलते बोला जो क्लास खाली बैठी है आधे घंटे से, अब मैं क्या करूँ? एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? और ये सबको पता है कि मैं 9:30 से 11:30 क्लास लेता हूँ हर रोज, ये सबको पता है। अब यहाँ 11 बजे लगा दी, ये कहते हैं गुस्सा करते हैं परिमल सर हमारे ऊपर, इस बात के ऊपर आई लव यू कैसे बोलूँ इनको बताओ? बता राजीव कैसे बोलूँ ऐसे आई लव यू? इसमें क्लिकी की क्या बात है बताओ? बहुत अच्छे लोग, जल्दी पढ़ दो ये सवाल। ये देखो 7:58 का मैसेज है, वो टाइम टेबल देख के मैं मैडम की क्लास तो कहीं भी नहीं लगाई। टाइम टेबल कल वाला ही रखो ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग वाली क्लास हट गई बस, वाई टू चेंज। ये 8 बजे मैंने कहा भी था, कहने के बाद भी वही डाक के 3-5। एक मैसेज आया हुआ था, सर जी हमारी क्लास में किसी को भी फिजिक्स नहीं समझ में आती, कि हमने टीचर्स ग्रुप में मैंने डाल रखा है। सोनीपत कह रहे थे ना सर कि नींद के झटके ले रहे हैं यहाँ सर, तो फिजिक्स की क्लास में कोई हरियाणा जी के कोई मैथ्स करता रहता है, पूरी क्लास में 5% को भी नहीं आती समझ। चाहे आप सोनीपत पूछना सर, तभी नींद के झटके ले रहे हैं, आपकी क्लास होती है तब सब वेट करते हैं, फिजिक्स की क्लास कोई नहीं लगाता। जैसे कोई चीज़ समझ में तुम्हें आती है या नहीं आती है, ये मेरे से 7:44 पर पूछा था परिमल सर, ये टाइम टेबल लगा रखा है, बाकी कोई चेंज होगा तो मेरे को बता देना। 7:44 का मैंने 7:58 पर रिस्पॉन्स पढ़ भी दिया, तो इन्होंने चेंज कर दिया। मैंने 7:32 पर सबको लिखा भी था, आज स्टूडेंट्स आज सभी टीचर्स मेरी ओल्ड वाली क्लास में आएंगे, उसमें हम बात करेंगे।
एक मैसेज किसी ने भेज रखा था, जिस तरह मंदिर की यात्राओं के रास्ते में भंडारे लगाए जाते हैं, उसी तरह यदि स्कूल के रास्ते में कॉपी पेन किताब पेंसिल के भंडारे लगाए जाएं तो भारत का भविष्य कुछ और हो सकता है। ऐसा करने से मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप अपना पढ़ाने का काम किया करो, धर्म के ऊपर मत बोला करो, एक नंबर के आदमी हैं। अपनी क्लास में मैं कुछ भी बोल सकता हूं और मेरी किसी भी बात से अशांति नहीं फैलती, क्या फैलती है? और ये धर्म व्यक्तिगत आस्था का मसला है। जैसे कोई मेरे से पूछे ना कि अगर आपको एक मिनट के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मैं एक मिनट में ये पास कर दूंगा, जो भी घर से बाहर धर्म से संबंधित काम करेगा उसको पकड़ के पीटा जाए, और ये वापस भी नहीं होना चाहिए। जो घर से बाहर ये ड्रामे करे ना उसको पकड़ के जेल के अंदर, अपने घर बैठो पूजा करो नमाज अदा करो, तुम कुछ भी करो क्या दिक्कत है? घर से बाहर इन ड्रामों की क्या जरूरत है? रोज गिरो रोड जाम फलाना ढिमकाना स्कूलों की छुट्टी। जितने विकसित राष्ट्र वहां से धर्म से संबंधित क्या काम होता है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? एक ही समय पर एक गाड़ी ए से चलती है और दूसरी गाड़ी, इनके बीच की दूरी 180 किलोमीटर। आ रहा समझ में? एक कार ए से रवाना होती है, दूसरी कार बी से ए की ओर जाती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती तो 6 घंटे बाद मिलती। कितने घंटे बाद? जितनी ये चली उतनी ये चली। ये कितनी एक्स्ट्रा चली? 180 किलोमीटर। कितने घंटे में? एक घंटे में कितनी एक्स्ट्रा? एक घंटे में 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। आया समझ में? वेरी गुड। और यदि वे एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की ओर चलती तो कितने घंटे मिलती है? डेढ़ घंटे में। कितने घंटे में? आ रहा समझ में? तो 120 की स्पीड हो गई। डेढ़ घंटे में 180 है तो एक घंटे में 120, डेढ़ में 180 है तो एक में 120। ये कितना ज्यादा चला? तो ये हो जाएगा 75 और ये 45 और 75 जोड़ेंगे 120, अंतर करेंगे 30, 120 डेढ़ घंटे में 180। बोलो नहीं आया? ये मैं जोड़ कर रहा हूँ, जैसे वो 120 आया, 120 और 30 50, आधा 75, इसमें से इसको घटाया 45, या इसमें से इसको घटाया 90, आधा 45, इसको जोड़ा 75। दो संख्याओं का जोड़ और अंतर देने पर ये सवाल ऐसे आ रहा समझ में? अब एक जैसे तीन सवाल हो गए, अब किसको नहीं आता? ये सबको आ गया, ये अलग टाइप के सवाल हो गए, इनको फिर से देखेंगे बाद में, आज इतना ही पढ़ता हूं। सीट के ऊपर लड़ाई होती है, अभी इस क्लास में मैं आता हूं, अभी सभी टीचर्स आएंगे इस क्लास में। किसकी है क्लास? सुनील सर की। हाँ, इस क्लास के एंड में हम सभी टीचर्स आएंगे यहाँ पर, तुम जाना मत।